मारे कुल की बेल चलाते ओ योगी, मनु एहसान मिश्राणी। गुरु मच्छंद्र नाथ जी महाराज को कहते हैं, गुरु मच्छंद्र नाथ जी के पास मिश्राणी चली जाती है तो गुरु मच्छंद्र नाथ जी कहते, उठो भाई उठो, समझ लो तुम्हारे दुख के दिन गए, ये लो भस्म की पुड़िया, इसे गाय के दूध के साथ खा लेना। और मुझे अपने परम परमेश्वर पर पूरा विश्वास है कि आपको 12वें महीने में लड़का होगा, 9वें महीने में लड़का होगा। तो प्रेमी सज्जनों, मिश्राणी को भस्म देकर चले जाते हैं तो 12 साल के बाद गुरु मच्छंद्र नाथ मिश्राणी के द्वार पर फिर से अलख जगाते हैं। अलख निरंजन, मिश्राणी नहीं आती, फिर दूसरी बार में फिर आवाज लगाते हैं अलख निरंजन, तब भी माई नहीं आती। तीसरी बार में माई आती है, मिश्राणी आती है, कहती है लो महाराज भिक्षा। तो गुरु मच्छंद्र नाथ जी कहते, क्या बात माई, लड़का पैदा नहीं हुआ? कहती है नहीं महाराज। गुरु मच्छंद्र नाथ कहते हैं, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी भभूति बेसर हो, बता तूने मेरी भस्म खाई थी? गुरु मच्छंद्र नाथ जी से मिश्राणी कहते, नहीं महाराज, मैंने भस्म नहीं खाई, मैंने वो भस्म कुरड़ी में फेंक दी, कुरड़ी में फेंक दी। तो आइए भजन के माध्यम से गुरु मच्छंद्र नाथ जी मिश्राणी से क्या कहते हैं। हाय हाय राम डोबगी, मन ने सीख पराई, बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई, हाय राम डोबगी मन सीख पराई, बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई, हाय राम डोबगी मन सीख पराई, बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई, हाय राम डोबगी मन सीख पराई, बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई। अपनी किस्मत अपने हाथा फोड़ी, परम फस कैसी थी राही मोड़ी, अपनी किस्मत अपने हाथा फोड़ी, परम फस कैसी थी राही मोड़ी, के ठीक सके से गलत समझ नहीं पाई, तेरी बबूती को ना खाई, हाय राम डोबगी मन सीख पराई, काजी तेरी बबूती को ना खाई। सुख औलाद का कोना मेरे भाग में, सारी उम्र जलूंगी इसे आग में, सुख औलाद का कोना मेरे भाग में, सारी उम्र जलूंगी इसे आग में, मन अपनी कोख
हसी कम कोन आती कूड़े मैं इस बस में नहीं गिराती पता जा होता हसी कम कोन आती कूड़े मैं इस बस में नहीं गिराती मन ना समझिया चढ़ती बेल कटाई बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई आए राम टोप लगी मैं पराई बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई पर आले ने यो मंजूर से शंग परिये मेरा हाय के कसूर से ऊपर आले ने यो मंजूर से शंग परिये मेरा हाय के कसूर से खाई हाय राम टोप की मन सी